नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर के दिग्गज स्टॉक एशियन पेंट्स के स्टॉक के बारे में। कल के दिन अगर हम देखें तो इस स्टॉक में एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखाई देती, निचले लेवल से 3-4% की शानदार तेजी थी, 3,000 के ऊपर भी स्टॉक गया था। लेकिन आज के दिन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, 2% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। कंजप्शन रिलेटेड स्टॉक है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से पेंट सेक्टर का लीडर है और एक अच्छा खासा करेक्शन अगर आप देखें तो 52 वीक हाई से हो चुका है, लगभग 3,568 का इसका 52 वीक हाई है। वहां से लगभग स्टॉक अभी भी 600-700 रुपए नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आज की जो गिरावट थी वो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, मौका है खरीदारी का, या फिर यहाँ से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे इस स्टॉक के लिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है आपका ब्रेंट क्रूड का। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो इसके लिए बेस मटेरियल होता है कहीं ना कहीं, और उसमें अगर ब्रेंट क्रूड की भाव में, कच्चे तेल के भाव में गिरावट देखने मिलती है तो इस कंपनी के लिए सीधा सीधा फायदा होता है। अगर आप इस साल देखें तो 2024 में ही अगर कहीं ना कहीं देखें तो $91 के आसपास का पीक जो था अप्रैल के महीने में लगा था, और वहां से गिर के अभी क्रूड ऑयल जो है $78 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं $80 के नीचे आ चुका है। तो इसके लिए वो एक बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा होता है। तो अगर ये क्रूड ऑयल इसी तरीके से $80 या उसके नीचे ही बना रहता है, या यहाँ पे और भी अगर बेरिशनेस क्रूड ऑयल में आती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स के लिए एक शानदार मौका होगी, जहाँ पे यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। अब कल के दिन यहाँ एक अच्छी तेजी हुई थी तो आज यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंसिव सेक्टर से मार्केट वापस एग्रेसिव सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छी खरीदारी देखने मिली, तो इन सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। वहीं जिस तरीके से बाकी दिन मार्केट गिरा था भी नतीजों के बाद रिजल्ट्स के, तो इन सेक्टर्स में आपको रिकवरी भी अच्छी देखने मिली थी। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ आपको शायद नजर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन देखते हैं इस स्टॉक की, 2,78,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक मार्केट लीडर है। 1.25% के आसपास की यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड देखने मिलती है, 57 के आसपास की ईपीएस और 51 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हिस्टोरिकल इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे 70-80-90 के रेंज में आपको ये देखने को मिलता था, लेकिन जो कि अभी कहीं ना कहीं 50 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो अपने वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो एक अट्रैक्टिव जोन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 का पी इस स्टॉक के लिए आपको सस्ता है, लेकिन बाकी सेक्टर में अगर आप देखें तो 50 का पी बहुत महंगा माना जाता है। तो हर सेक्टर के स्टॉक जो होते हैं उसके हिसाब से उनको पी वैल्यूएशन दिया जाता है, उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो 50 के आसपास के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 14.88 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक चलता हुआ आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम चार्ट्स पे देखें कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने लगभग लगभग दिसंबर के आसपास, दिसंबर के एंड में 3,400 रुपए के आसपास के जो हाई थे वो लगाए थे, और उसके बाद इस स्टॉक में गहरा करेक्शन जो है वो देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 2,700 से 2,800 की रेंज में इस स्टॉक ने बड़ा कंसोलिडेशन और एक बेस बनाने की कोशिश की है, और अगर हम देखें तो लगभग पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और लगभग पूरा मई का जो महीना है, यानी 3 महीने से स्टॉक जो है एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ लगभग 3,000 का लेवल जो कि इसने ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा, और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 2,780-2,800 का लेवल एक बार खाली, जिस दिन यहाँ पे इसके नतीजे आए थे लगभग 9 मई के आसपास आया, तो उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी। लेकिन उसके अगले 2 दिन में इस स्टॉक ने बाउंस करके उस लेवल को रेस्पेक्ट किया था, और हाल में परसों के दिन अगर आप देख रहे हैं 4 जून के दिन भी जो गिरावट आई थी 2,775 के आसपास का एक बड़ा हैमर जैसा पैटर्न बना, उसके बाद वाकई यहाँ पे रिकवरी देखने मिली। और कल के दिन अगर हम देखें 3,000 के पार ये स्टॉक निकला था, 3,027 का हाई लगा था, और 200 EMA को भी इसने लगभग टच किया था, लेकिन उसके बाद वहां से आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। तो इस स्टॉक के लिए नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट रेंज देखते हैं तो 2,770 से 2,800 रुपए एक सपोर्ट रेंज है, यानी कि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं मोटा मोटी 100 रुपए का एक रिस्क है डाउन साइड में। अगर वो लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड उसके बाद देखने मिल सकती है। अगर उसमें मार्केट में कोई करेक्शन आता है बड़ा, तो फिर इस स्टॉक में आपको नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। उस कंडीशन में फिर स्टॉक में एक बार 2,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपसाइड की बात करें तो 3,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 3,029,80, 3,000, ये आप मान के चलिए इस लेवल के अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता, जैसे ही ये स्टॉक 2,200 EMA को पार करेगा जो कि लगभग 3,000 के आसपास का है,
ये स्टॉक में आपको एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं बड़े टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं 3100 से 3200 तक के नियर टर्म टारगेट जो है वो आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 2900 के मुकाबले 2800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस और लगभग 3100 से 3200 तक के जो टारगेट्स है वो आने वाले कुछ दिनों या महीनों में देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा किस तरीके से मोमेंटम होगा वो चीज देखने वाली चीज होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इस स्टॉक पे बाय ऑन डिप्स हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में जब कभी भी कोई डिप आई है तो उसमें आपको ने देखा है कि डिप के बाद अगर किसी ने वहां पे इन्वेस्ट किया तो 6 महीने में आपको एक अच्छा बड़ा रिटर्न बन के मिला है। यहाँ पे पिछले 2-3-4 सालों से अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक एक रेंज में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कहीं भी ये स्टॉक रेंज से ज्यादा बाहर निकल नहीं रहा, ऊपर की तरफ स्टॉक की रेंज 3500-3600 के आसपास की चलती हुई दिख रही है और नीचे की तरफ जो है स्टॉक की जो रेंज है 2700-2800 रुपए के आसपास की बनी हुई है। तो स्टॉक अपने लोएस्ट रेंज के आसपास कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे लंबा समय निकालने के बाद अगर इस रेंज के आसपास चल रहा है तो एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन जो बोला जाता है वो एक अच्छा खासा इस स्टॉक में हो गया। तो यहाँ पे बड़े डाउन साइड रिस्क की संभावना कम है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आती है और कंजप्शन और यहाँ पे चीजों पे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है लोगों का, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेक्टर से पैसा निकलेगा तो डिफेंसिव सेक्टर पे पैसा जा सकता है, और वो अगर ऐसा होता है तो फिर ये स्टॉक बहुत अच्छे से बेट हो सकते हैं कि जहां आपको ऊपर की तरफ एक अच्छे खासे टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। 10 से 20% का रिटर्न इस स्टॉक में आराम से आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।